हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब स्टूडेंट को साइंस में भी SOS के तहत प्लस टू करने का मौका देने जा रहा है। ऐसे में अब SOS स्टूडेंट प्लस टू की पढ़ाई मेडिकल व नॉन मेडिकल में कर सकेंगे और इसके लिए स्टूडेंट को प्रैक्टिकल भी देने होंगे। हालांकि एकेडमिक कमेटी की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया है, लेकिन इस निर्णय पर मोहर 29 अगस्त को होने वाली फुल बोर्ड की बैठक में लग सकती है। प्रदेश में काफी संख्या में स्टूडेंट्स SOS के तहत परीक्षाएं देते हैं, जिनके लिए SOS के तहत आर्ट्स व कॉमर्स में प्लस टू करने का मौका बोर्ड द्वारा दिया जा रहा है। बोर्ड द्वारा आयोजित एकेडमिक कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो स्टूडेंट नियमित तौर पर पढ़ाई नहीं कर पाए हैं या बीच में पढ़ाई छूट गई थी, ऐसे स्टूडेंट को अब SOS के तहत भी प्लस टू करने का मौका मिलेगा। बोर्ड प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में आयोजित एकेडमिक कमेटी की बैठक में SOS के तहत साइंस में प्लस टू का मौका देने की बात को रखा गया था, जिसे मान लिया गया है। अब 29 अगस्त की फुल बोर्ड की बैठक में इस पर मोहर लगना बाकी है। यदि फुल बोर्ड की बैठक में इस पर मोहर लगती है तो बोर्ड प्रशासन अगले साल से स्टूडेंट को SOS के तहत साइंस विषय में प्लस टू करने का मौका दे देगा। हाँ, SOS के पूरे विंग को हमने बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। SOS में विद्यार्थियों की संख्या लगातार स्टेट ओपन स्कूल जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने चलाया उसमें बढ़ गई है 2 सालों में। अभी साइंस में प्लस टू करने का मौका SOS के विद्यार्थियों को देने जा रहा है बोर्ड, ये पहली बार होगा। तो यदि किसी ने कोई पढ़ाई बीच में छोड़ गया बच्चा और बाद में साइंस में भी प्लस टू करना चाहते हैं तो उनके लिए आज ही एकेडमिक मीटिंग हुई है एक, तो उस शैक्षणिक समिति में फैसला ले लिया गया है कि ऐसे विद्यार्थी जिनकी पढ़ाई जो रेगुलर तौर पर नहीं कर पाए या पढ़ाई छूट गई थी और वो साइंस में प्लस टू करना चाहते हैं तो उनको मौका देने की बात जो रखी थी वो मान ली गई है। तो अगले वर्ष से ये मौका दे दिया जाएगा विद्यार्थियों को। तो ये एक नया अवसर विद्यार्थियों को हिमाचल प्रदेश में स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड दे रहा है। दोनों विषय इसमें रहेंगे, मेडिकल नॉन मेडिकल रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ बाध्यताएं भी रहेंगी कि जो प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होंगे वो देने पड़ेंगे बच्चों को, और प्रैक्टिकल का जो PCP है वो भी लगाना पड़ेगा जिससे कि प्रैक्टिकल्स को भी ठीक प्रकार से बच्चे करें, उसमें सीखें। थ्योरी के पेपर तो होंगे ही होंगे। कॉमर्स विषय और आर्ट्स विषय दोनों के पहले से